प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं। इसी बीच सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। तमाम पार्टियों ने अपने हिसाब से चुनावी प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। बीएसपी चीफ मायावती ने भी लखनऊ में मंगलवार को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और ब्राह्मणों को बीजेपी का मुंह त्याग कर बीएसपी में आने की सलाह दी। हमेशा बहुजन समाज की बात करने वाली मायावती के प्रबुद्ध सम्मेलन के पहले जय श्री राम और जय परशुराम के नारे भी लगे। यहाँ तक कि मायावती ने सरकार बनने पर 2007 की तरह ब्राह्मण समाज को सुरक्षा, सम्मान और तरक्की देने का भरोसा दिया। मायावती के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पार्टी के पुराने नारे हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है भी लगाए गए। अपने संबोधन में मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समाज का हमेशा कल्याण किया है, प्रबुद्ध किसी के बहकावे में नहीं आए। मायावती ने भरोसा दिया कि वो सिर्फ यूपी का विकास करेंगी, बिल्डिंग, पार्क और स्मारक का विकास नहीं किया जाएगा। प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान मायावती ने अपने दलित और ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग का खूब जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बसपा ने पार्टी संगठन चुनाव में टिकट देने और मंत्री बनाने के मामले में ब्राह्मण वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सरकार में ब्राह्मणों का सिर्फ शोषण हुआ है। दरअसल यूपी के 25 जिलों में ब्राह्मण वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। साल 2014, 2017 और 2019 में ब्राह्मणों ने बीजेपी को समर्थन दिया था। इस बार बीएसपी और सपा ने ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है। बड़ी बात यह है कि 2007 में ब्राह्मण वोट बैंक ने बीएसपी से अपना लगाव दिखाया था। लिहाजा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए मायावती अपने पुराने वोट बैंक को खुद से जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।